थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के दीक्षालय इंस्टीट्यूट से आईआईटी की तैयारी कर रहे छात्र चंद्रशेखर ने मानसिक तनाव के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चंद्रशेखर की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के प्रताप नगर में दीक्षालय इंस्टीट्यूट से आईआईटी की तैयारी कर रहे छात्र की मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। छात्र चंद्रशेखर 17 वर्ष पुत्र वीरपाल उपकार नगर जिला एटा का निवासी था। चंद्रशेखर की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है, सभी लोग सदमे में हैं। ना कोई तनाव नहीं, बहुत अच्छा अच्छे से बात की, अपनी माँ से भी बात किया, मुझसे भी बात किया। कब बात हुई थी आप? एक घंटे पहले बात हुई। घटना क्रम से? हाँ, कोई ऐसा तनाव कुछ नजर आया या कोई परेशान हो या ना, बिल्कुल लगातार ऐसे बात होती रहती होगी? हाँ, बहुत खुश होकर बात कर सामने आई हो। बहुत खुश रहता था वो, तो ईमानदार वैसे लड़का नहीं था, मतलब कोई मतलब बाप से कोई बात छिपाया ऐसा नहीं, ओपन बात करता था। इन्होंने स्कूल वालों ने बताया कि बच्चे ने आत्महत्या कर ली है, ने पता नहीं है अभी, ये इस बच्चे को उतार के हॉस्पिटल ले आए और 8:30 बजे फ़ोन गया और बताया बच्चे की तबीयत ख़राब है। और जब यहाँ पर आए 12-2 बजे तब देखा तो बच्चा हॉस्पिटल में था और डेड था। ये तो स्कूल वाले की जिम्मेदारी है, स्टूडेंट जवाब देगा इसका। सीसीटीवी मैं स्टूडेंट गया ही नहीं। अच्छा। मैं तो हॉस्पिटल आया, ऐसे हॉस्पिटल वहीं देखा बच्चे को, वहाँ डेड पाया गया, स्कूल देखा ही नहीं। इस वक्त कहते हैं बच्चे ने सुसाइड किया है, जब और 2-3 मित्र उसके खाना खाने गए थे, ये नहीं गया, लौट के देखा तो ये ऊपर टीन के ऊपर सुसाइड किए गमछा लपेटे रखा था, ये बताया है। टीन शेड के नीचे स्टूट के ऊपर। चंद्रशेखर के पिता वीरपाल ने बताया कि पुत्र चंद्रशेखर दीक्षालय इंस्टीट्यूट से आईआईटी की तैयारी करने यहां आया था। चंद्रशेखर पढ़ाई में बहुत अव्वल था। चंद्रशेखर ने घटना को अंजाम देने से पहले परिवार से रोज की तरह बात भी की थी, पर परिवार को कुछ भी नहीं बताया। अब तक तो हमने देखा नहीं, तो हमसे पहले उन्हें उतार लिया, अब कह रहे हैं तो मतलब किस पोजीशन में लगाया ये जानकारी नहीं हमको, बॉडी भी नहीं देखी हमने। कहाँ के रहने वाले हैं आप, कहाँ से आए? उपकार नगर पीपला एटा। एटा से? तो यहाँ बच्चा हॉस्टल में था या और कोई परिवारजन भी रहता था? ना, हॉस्टल में रह रहा था मैं, और जो दीक्षालय है वहाँ से कोचिंग कर रहा था। हाँ जी। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे? वो 12th और IIT की तैयारी कर रहा था। 12th और IIT। जैसे बच्चे से बात हुई तो उस तरीके का कुछ बताया उन्होंने, जिससे कोई परेशान हो ऐसी कुछ? ना ना, कुछ नहीं बताया। बोला पापा कब आओगे? मैंने कहा भाई आऊँगा, भाई है उसका छोटा, अगर बर्थडे पर आओगे? हाँ ठीक है, कुछ किताबें लेनी है ले लेना, मतलब यही बात थी। कोई नहीं, बहुत खुश था। पुत्र चंद्रशेखर की मौत से पिता और परिवार के लोग काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा पुत्र की तबीयत खराब होना बताई गई थी, लेकिन यहां आकर यह सब पता चला। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।